नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर है आंध्र प्रदेश से पूर्व प्रेमिका ने तेजाब फेंका, व्यक्ति की मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पूर्व प्रेमिका द्वारा किए गए तेजाब हमले में एक नवविवाहित युवक की मौत हो गई। परेश रावल ने अरधंती राय से संबंधित ट्वीट हटाया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता व भारतीय जनता पार्टी के सांसद परेश रावल ने उस विवादित ट्वीट को अपने अकाउंट से हटा दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना की जीप से कश्मीरी पत्थरबाज के बजाय लेखिका अरधंती राय को बांधा जाना चाहिए। सियाचिन में कोई हवाई अतिक्रमण नहीं, वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को पाकिस्तानी वायुसेना के उस दावे को खंडन किया जिसमें उसने अपने लड़ाकू विमानों द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर से उड़ान भरने का दावा किया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम को परफॉर्मेंस कोच बनी पोल्टन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से यानी पूर्व बल्लेबाज लिया पोल्टन को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का नया परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का तेलंगाना भाजपा बना सकती है, शाह। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सिर्फ उनकी पार्टी ही स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का तेलंगाना बना सकती है। उन्होंने रजाकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नकारात्मक किरदार निभाने पर बोले रोनित, यह नजरिए की बात है। हालिया रिलीज फिल्म सरकार 3 में नजर आने वाले अभिनेता रोनित राय का कहना है कि भले ही लगे वह ज़्यादातर नकारात्मक किरदार निभाते हैं लेकिन यह मुख्य रूप के लोगों के नज़रिए पर है कि वे इसे कैसे देखते हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए पुतिन का उच्च स्तरीय तैयारियों का वादा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में इसी साल होने वाले कंफेडरेशन कप और अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप के लिए उच्च स्तरीय तैयारियों का वादा किया है। ममता बनर्जी ने उत्तराखंड बस दुर्घटना पर दुख जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तराखंड में मंगलवार रात हुई बस दुर्घटना पर दुख जताया जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दोस्ताना मैच से बाहर हुए ब्राजील के लुकास सांतोस क्लब के खिलाड़ी लुकास लिमा अगले माह अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले दोस्ताना मैचों में ब्राजील टीम के साथ नहीं खेल पाएंगे। शादी की पूर्व के माहौल का आनंद ले रहे नागा चैतन्य अक्टूबर में अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे नागा चैतन्य ने कहा कि वह शादी के पूर्व माहौल का पूरा आनंद ले रहे हैं क्योंकि उनका मानना है वह समय ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। जुवेंतस का क्वार्डो के साथ स्थायी करार। इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंतस ने जुआन क्वार्डो के साथ स्थायी करार दिया है। नेपाली मूल के 3 शहीदों की हिमाचल में अंत्येष्टि। जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए नेपाली मूल के 3 भारतीय जवानों की अंत्येष्टि बुधवार को हिमाचल प्रदेश के एक सैन्य छावनी में की गई। आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला तक फिट हो सकते हैं एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ होने वाले एक टेस्ट मैच तक फिट होकर टीम में वापसी कर सकते हैं। अब खबर ब्रासिलिया से है। टेमर के सलाहकार ने नकदी में भरा ब्रीफकेस पुलिस को सौंपा। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर के एक सलाहकार ने नकदी से भरा ब्रीफकेस अधिकारियों को सौंपा है। उन्हें यह नकदी ब्राजील की सबसे बड़ी मांस प्रसंस्करण कंपनी JBS ने दी थी। कच्चे तेल की कीमत $52.64 हुई। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत मंगलवार को $52.64 प्रति बैरल दर्ज की गई है। सोमवार को दर्ज कीमत $52.98 प्रति बैरल से कम है। अब खबर सिंगापुर से है। मूडीज ने चीन की क्रेडिट रेटिंग घटाई। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बुधवार को चीन की क्रेडिट रेटिंग घटाकर ये A3 से A1 कर दी है। इसका कारण देश पर बढ़ते कर्ज बताया गया है। अमेरिकी एजेंसी द्वारा पिछले 5 सालों में पहली बार चीन की रेटिंग में कटौती की गई। चैनल इंडिया लाइव में अब तक की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल इंडिया लाइव, देश का तेजी से बढ़ता चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे YouTube पे जाएं और टाइप करें चैनल इंडिया लाइव और सब्सक्राइब करें।